सिद्ध नखत बना के तो वक्ता पाठ का फ्रांस भजन होया है। हमें दादा बाबू तासी जी महाराज री जलम पुत्री है, बड़े प्रेम भाव सुनिया और जहर मो भिड़ा पिया, क्योंकि बीकानेर जिले में और कोलार तहसील में मारवाड़ी धरती में किसी प्रकार रो बबूता सिद्ध और नखदमना एक कदम में अमर नाम करियो। सोलंकी परिवार में ने सोलंकी रो वंश उजड़न खातर इन कलियुग रे महीने भूमि रो भार उतार ना नव कुड़ी रे नागों ने नाथन खातर ही धरती माथे अवतार लियो। पिछम दरा में बीकानेर जिले में कोलार तहसील में और ठाकर कोई चीज की कमी नहीं, राम जी राजी भंडार भैया लीला पशु गणी जमीन गणी अरे अरे और ठाकरारी मान मर्यादा इज्जत गणी जय हो, कोई ठाकरारी कमी नहीं। आसा बड़ा ही बादल सिंह जी मन में बड़ा उदास रहता, हाँ क्योंकि मादल सिंह जी का लड़का गोमन सिंह जी अरे और गोमन सिंह जी ने प्रणीजन ने 30 वर्ष हो गया पर मोरे कोई औलाद को जन्म नहीं। आसा तो देखो भक्ता ये संसारी रीति है, वाह अरे कलियुग की मर्यादा है, अरे औलाद नहीं होनी जने संसार के उन लाग गया के मुंडो देखो कोनी क्या के यार संसार कोनी ए बांझिया है क्या अजमाल जी जीसा आज राजा बानी गांव राम मिंद्र के दियो, हां तो मादल जी मन में बड़ा दुखी रेवे अरे अरे और विचार करियो मोरे तो एक ही लड़को जली में गोमन सिंह आज और गोमन सिंह रे कोई औलाद कोनी जने करा कहीं। हां तो पहला रिते में अरे बुढ़िया बुढ़ेरा द्वारकापुरी जावता घर रहो छोने हे हे पहले यात्रा और माधव सिंह जी अरे अरे द्वारका पुरी गया हुए थे में निरंजन निराकार जोगेश्वर बाबू मिल गया अरे संतरा लक्षण होया सा और निरंजन बाबे ने धुने तपता देख और माधव सिंह जी दार पगो ला गया ए न्यून प्रणाम करियो और बाबे पूछियो भैया किसो गांव है थारो अर काई नाम है कटू आयो भाई तो माधव सिंह जी कहे मामा हमारा गांव तो बीकानेर जिले में कोलार तहसील में अरे सोनी घर डाणी वाह और नाव मारो माधव सिंह है अरे गांव रो जागीरदार ठाकुर हूं वाह तो बाबे पूछो भाई तने कहीं चाहिए अरे बोले बाबा गुरु शब्द चाहिए हां गुरु दान ने करनी है क्योंकि मृत्यु लोग में आप रहो हां और मनुष्य जेड़ो पद पा ए हे अरे मनुष्य पद में अगर गुरु धारणा नहीं करी तो शरीर कहीं कामरो नहीं है। आसा क्योंकि गुरु भी ने माला फेरता गुरु भी ने देता दान गुरु भी ने दान आराम है कहता दे दौर पुराण गुरु भी ने महाराज ना तो माला फेरड़ी काम आवे ना दान जोड़ो अर्थ रो अरे एक गुरु शब्द दे दो नहीं तो मोरो जन्म सुधर जावे। आस उनने में माधव सिंह ने अरे नरेंद्र बाबे के ले माधव सिंह राम नरेंद्र लटिया जाई भाई ए हे राम माला फेरे सीउरी सीउ माला फेरे राम री और माला फेरे जाई थारो बेड़ो पार होई अरे अरे तो माधव जी कह दियो बाबा आज कदी मानी सेवा रो मौको दो आप। हां एक रात रो एक रात मोरे ही घरे आओ तो मानी सेवा रो मौको मिल जावे। दिन घड़ी दिन भाग गुरु जी आया पावना होने रो हुरु दू गयो है हर मारे गोमन सिंह ने पन्नी जी ने वर्ष खासा हो गया जियो आज मारे कोई पोती पोतो कोनी एक बाबा पोतो रमाणे जी में बड़े मारे ए हे अमूदनी है बाबा बेटे में बाबे ने इतनी बात कही बाबे के बादल सिंह अरे अरे आने तो भैया मने फुर्सत कोनी वाह पण कनी फुर्सत री घड़ी में थारी ढोणी जरूर आऊं भाई आऊं भाई आऊं तब बादल सिंह जी पासा गांव आवे आवे हर चार महीना ठेर चौमासो लागे जय हो चौमासे टेम रे महीने भाव देरो महीनो अरे अरे और नंदन बाबो आस द्वारका परियों कोलाए तवे कपल मुनि रे नहावन करने हे हे दर्शन करने सा और दोपहर टेम ने तप तोड़ा तावड़िया हां
बाबे मन में विचार कियो कोलाय तहसील में अपरे चेले मादल सिंह रो गांव है ए हे ढाणी है आ रीति को आगे जन चेले री ढाणी हालो तो खरी चेले ने चाचो तो खरी वाह तो बाबो तब तोड़े तावड़ी में रवाना हो गया जय हो और शाम री टाइम में मादल सिंह री ढाणी पहुंचे 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 अर कल बात बने देखो ये ढाणी जे अरे दिखनी तेरा सुमा बाबा आया रे तुगी शरी अरे शमी अतुने तेरा ने बाबू कहीं कहीं तो बोली जी
तो दो चार धारकन और मिला दंगा तो देखो ठा पड़े बोले कि ना बोले बोले भगत और भगवान की आ बोली देख लो बोली उड़ी छानी गोरे अब क्या दिखनी ग्राम आयो जोगी सर आतुनी धरती में जाए अरे अरे और भर भावदे में आयो जोगी सर भर चौमा से रे माई वाह चौमा से रे टेमी अरे और गेरी गेरी बिरखा बसे वाह और बाबो दोपहर के में माधव सिंह धोनी जावे शाम के में पहुंचे अरे और बाबे आवाज लगाई ढोनिया के जा हां ढोनिया के जार बोले भाई हां कोई भाई माई है तो थोड़ो वास्ती जनाओ ने एक चिलम बरपरी पिया अरे तो बाबे ने ना तो बाबे कोई आवाज सुनी ना बाबे कोई हेलो हुनियो वाह और बाबे रे सो विकराल रूप अरे अरे ऐसो विकराल रूप करेड़ो हां जे बाबे रो रूप देखे तो गमरा टावर डर जावे ए छोटा मोटा टावर देखे तो काल तो बाढ़ गया क्योंकि मोटी जका मोटी दाढ़ी डागंबर वेश मेरीडो बगल में जोड़ी हाथ में कंडल चिपट लियोड़ा अरे अरे जका में बिच्छू रंबे और बाबे धनिया के जा रेलो करियो के भाई अरे थोड़ो बास्ती जला एक चिलम भर पी पिया आसा उनटे में गोमन सिंह जी बहु वाह हाथ में गुणियों खांदे नेजनों ने माता बिड़मल गाया लोन ने जाए जाए बाड़े में और देख जोगी ने मारी गवा चमची छोटे बाछड़ियों ने माय बाप जी ने बाबे जी ने देख और गाया चमकन लागी ए गाया जावे बाड़े ऊपर कर घूंटा लिए ही और गोमन सिंह जी बहु अरे सा बाबे ने देख और दो कुट वचन कह दिया वाह बाबे ने देख के बाबा पड़े तारे माते बिजली रखावे तने बासक नाग केड़ा घूटा बोलिया दिए बदरी टेम अरे थाने देख रे मारी गवा चमके छोटे बाछड़ियों री माय माय बाबा अरे कठे गोता खाओ तो आ गयो गया चमका दी मारी हिगली बाबा 5 10 मिनट रुक राजा रा धार काई बटिंडाली गाड़ी चुक गई गया नू लेती टोकड़िया टुंगा दे दी धानी चावरी बा देती पण बाबा तने देख रे मारी गया भिड़की है गया तो ए बेटा और बाबे कहो भाई अरे मैं तने कहीं दुख नहीं दियो बाला ते मने गाल क्यों काटी आज तू केवे थारे माते बिजली पड़ी तने बासक नाग खाई अरे बाबो के भाई मने सरप क्यों खावे सरप खावे थारी औलाद ने कम बाबो ही कोनिया गोमन सिंह जी बहु गया बाबा अपनी जो ने 30 वर्ष हो गया आजे बनो बनी दोइया औलाद ही कोनी तो खाई किने बाबा माने तो औलाद वाड़ो जाने कोनी तो धानी खाई वचन बह गया बाबे ने कहो के बाबा अरे मारे कोई औलाद है कोई बात है हां अर धनी लुगई दो हां अरे अरे ओ तो बाबा हां त्रिकाल समेरी के में वचन निकल जो थानी खाई वाह बाबे मन में विचार करियो माधव सिंह री ढोणी कोनिया हां पगा फुर्ती राखो बाबे जी रोंग नंबर लाग गया अगर माधव सिंह री ढोणी होवे तो अपारी आवादर इज्जत होती सा पानी रो पूछता सा कोई सा पानी रो पूछता बना ढोणी कोई हां दूसरी मरे ना भाई गाल काटे अरे अरे तो भावदुर महीनो मई अंदर ही रात बिजलियां चमके बादल गरजे और इंद्र भगवान गरजे और बिजली फड़फड़ाट करे बिखा चालू होगी अरे अरे और बाबे आपरा झोली कमंडल बगल में ले पुरो रवानी हो गयो आसा अबे मगरे री भौ में वाह मार कर ने बिरखा आवे ए हे और गांवरा आदमी हां बाबे ने जार मनावे के बाबा मी अंदर ही रात है बिजलियां चमके बाबा और बिजली फड़फड़ाट करे मगरे रो मारगे थे भूल जाओ कठी मत जाओ ना अरे मारे मिलजो तो बाबे कहो भैया अरे जके गांव में साधु महात्मा री कदर नहीं होवे बटे ठहरने में सार कौन भैया ए हे बेटा पानी डमता दोगी फूटा लागे भाई क्या के जके गांव में हां भगवे देख री कदर कोनी बटे रुकने में सार कौन भाई अरे अरे तो गांवरा बाबे ने हाथ जोड़ विनती करे मनावे मनावे और मना परा बाबे ने के बाबा मत जाओ ना बाबे ने कहीं विनती करे अरे 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 जोगिया रात अंधारी बाबा मर गयो ना सूझे जोगी रात अंधारी बाबा मर गयो ना सूझे सूझे मनो अरज हमारी
जय हो। अंटे में कवि कल्पना करे आशा और बाबे ने गावरा हाथा जोड़ी करे बाबा रात अंधारी मार्ग ना सूझे झिरमिर बरसे मेव अरे जोड़ी कंडल बाबा बीजेला अरे अरे हरो बीजे जटा वालो शीश शीश हे बाबा मैं अंधारी रात है हां रात रात थी अठे रुक जो सुबह जाता रहया भले बाबो के काई भूल जो जो रुक जो अठे थोवेटे में जोड़ी कमंडल बाबे ले लिया बगल में जोगी झपटियो जाय जाय सा जोड़ी कमंडल बाबे बगल में ले पर रवाने हो गया वाह और मैं अंदर ही रात जोगी जूनो आज जूनो जोगी झज्जर कर तो बे अरे अरे जोड़ी कमंडल भींज गया बाबे री जटा भींज गई अरे और इन्हें मादल सिंह जी और गोमन सिंह जी हाँ खेतु ढाणी आवे खेतु ढाणी आवता जय हो। और बीदली रे पढ़ के वो बाबू आओ तो लिखे मादल सिंह विचार करे रे गोमन सिंह महाराज गुरुदेव है जय हो। द्वारकापुरी में मैं गुरु धारणा करी और मादल सिंह जी और गोमन सिंह जी दोनों समा जावे जावे बाबे जी रे और मादल सिंह जी पगे ला गया गोमन सिंह जी नीचा लड़र पगे ला गया और मादल जी पूछियो बाबा मैं अंदर ही रात है ते आगे इधर जाओ अरे अरे बाबे कहे भैया मादल मैं तो थारी ढोणी जाऊं और तो मैं कठे जाऊं वाह तो मादल सिंह जी कहे बाबा हां मारी ढोणी तो लारे रहेगी अरे अरे ते आगे इधर जाओ हां सर बाबे कहे भाई मादल सिंह लारे ढोणी जी के लिए कपड़ा उठी गाल काटे हे हे लुगई है हां और बहुत ज्यादा छड़ी ओड़ी है अरे आवे जी के लिए बाबा थाने पहनो पिया और आवे जी के ने गाल काटे के थारे माथे बिजली पड़ी थारे माथे तने सर्फ खाई अरे तो गोमन सिंह जी के मरा लुगई तो मारी है पण लुगई भोली है बाबा ओ बिया ने भोली पुणी कवे रे भाई बाबो के गेड़ा 5-10 मिनट रुकने रे काम पड़े नहीं तो भोड़ भोड़ देती मारो ए मारी तो आरती उठा देती दे जल्दी रे रूने के तम गोजा चले तो मादल सिंह जी के बाबा हां लुगई जा तो बुरो नहीं मानो जय हो बाबा किड़ी माते को मत करो ना बाबा ठेतो सन छो सन तो हुई बिचारे उनी बिचारे आंदा एक बारी में नीचे घर गुजार कांदा हे बाबू जी थी तो संतो हां हुई बिचारो साधु वैसो भली बिचारे उंदी बिचारे आंदा भाइयो भाई आप तो साधु हो अरे अरे हर थोड़ी दया बिचारो मैं तो ग्रस्ती हूं हां भूल चूक हो ही जावे बाबा अरे बाबा पग पग मऊ गलती हुए अरे अरे थे मोने माफी दे दो बाबा जय हो। तो बेटे में मादर सिंह जी गोमन सिंह जी केवे बाबे ने हां तो बाबो के भाई थे छतरी लोगो अरे अरे और छतरी लोगो मैं साधु सन्यासी आदमी हूं वाह और मैं दोनों लगाऊं थे श्याम रेटे में बिकराड़ और मारा जोड़ी झंडा फेंक दो तो मैं रात रात कटे जाऊं भाई ए जगते धुने ने लिया डाने डाने कटे फिरूं भाई बोले बाबा थाने में कहीं गोकानी अरे तो बेटे में गोमन सिंह जी और बाबो और मादर सिंह जी दोनों बाबे ने मनावे ए हे और के बाबा था वचन करिया वचन क्या छू गया हां नोरा विनती करे से हाथा जोड़ी करे और मादर सिंह जी और गोमन जी बाबे ने मनार सोणखेर डाणी लवे पाछो अरे सा और सोणखेर डाणी में हां जठे गायो री गवाड होती बटे बाबू ऊपरे परो अरे आ डाणी खानी देखे आंखा गाडे ए आंखा गाडे मादर सिंह के बाबा डाणी आलो के नहीं भैया डाणी तो को आला नहीं ई डाणी में जाए जगन पेड़ा नाक भी भाई बटन निकलो ला माता रे मुंडो क्या के त्रिकाल से मेरी टीम होती माता कहो तो ने सिर्फ काई तो बो सिर्फ देखणो मन बो डाणी में कद आई अरे अरे गायड कवार ने बीच में लूणो चेतन करा भाई आवे जे दोनों तपणो है अरे तोठे भाई गयो री गवाड़ पीछे दोनों तपा वाह तवे टे में मादर सिंह जी के बाबा थारे इच्छे आवे ने जते दोनों तपो थाने कोई मना करने वालो कोनी जय हो। तो बाबो सोनी के गाड़ी में किसी प्रकार रो नाड़ियों खोदावे वाह और नीम रो पेड़ लगे वे कहीं बाबू बड़े बारे बरसते तपस्या करे जय हो। अरे बनाए जोगी ईश्वर ने बाबा पाछो पाछो लाया मेरा पाछो रे लाया हे लाया रे सोलंकी हरी
अरे अरे बारह बारह वर्ष तपियो जोगीसर तपियो छठन बारो मास वाह बारे साल तक अरे सोलह जानी बाबो तपस्या करी जय हो। और माधव सिंह जी और गोमन सिंह जी बाबे री तन मन धन सेवा करी अरे अरे और बारे सालों बाबे आंख खोली वाह। और माधव सिंह जी की सेवा देख कर बाबो राजी हो गया हां खुश होया प्रसन्न होया और धोनेरी बबूती ले अरे और माधव सिंह ने दी के लो माधव सिंह जी आप बबूती है अरे अरे थारी बेटी की बहू ने दो वाह। और ये बबूती थारे नवे महीने पोतो दलमी जी के नो बबूतो धरा दिया जय हो। उन टाइम में गोमन सिंह जी खनी जुबा के बाबा देवन लागे तो मैं एक रो कहीं ते देवो बाबा चार पांच दो गनी डाणा ने ठा पड़े यार करे टाबे रे कोई और बोलाई को हे बच भाई बाबा एक आंगरो खाई खोला और खाई मिचाओ बाबा एक टाबरो कहीं देवो थे अरे हरे आज आवड़ा लीला लहर कर दो आंगनो भर दो बाबे ने कहे बाबा एक ने कहीं छोटो कार कहीं मोटो का जियो बाबे कहे गोमन सिंह तारी 50 साल की उम्र है वाह। और जाओ थोड़े नवे महीने बबू तो जलमी वाह। और बबू तेरे बाद में शेर सिंह जलमी जय हो। शेर सिंह के बाद में थोड़े नरपर सिंह जलमी आज। और नरपर सिंह के बाद में एक लड़की जलमी देकर नौ शृंगारा भाई राख दिया अरे अरे थोड़े चार टाबर वही बोले बाबा घना ही घना हमने तो न्याल कर दिया थे आज। और माधव सिंह जी ने वाह बाबे वचन दिया अरे। और कह ले भाई माधव सिंह हमें मने द्वारका जानो पड़ी हां क्योंकि थारे गांव में 12 साल बदित कर दिया अरे हमें दोनों हंबालनो पड़ी भाई आसा। बाबा माधव सिंह ने आशीष देवरा जय हो। द्वारका पूरी रवाना होवे द्वारका पूरी रवानी होवे अरे अरे होवे टाइम में देखो भक्तों आसा। विक्रम संवत 1911 में बबूता सिद्रो जलम हुए जय हो। और कहीं सखिया मंगल गावे कहीं देखो गोमन सिंह रे घरे लड़को जलमियो तो कोट करे ठाकरा डाणी में ए खुशिया मनावे हां तो कहीं देखो आज सखिया मंगल गावे अरे अरे। और कहीं गोमन सिंह जी री धर्मरी बहन वाह सुथारा कने जोशी जी कने गावे जावे और कहीं बात में देखो ये जान जे हरे दादा बजा बजा सोमन I'm
अरे सा चांदनी चपदसरा सिद्ध दलमिया बाजा बाजा सोने थाल भाइयों भाई सोनेरी कटारियों नाला मोरिया कोरे कुंडा में करिया स्नान स्नान आज गमन सिंह रे कमर दलमिया पचे दिन घड़ी दिन बाग हाँ तो सखिया मंगल गाया मालम जी लाई फुल माल अरे कई परसों ठाकरा रे पोतो जलमियो आज तो ढाणी में कई कोट करिया भक्ता खुशियां मनावे खुशियां मनावे आज आर गोमन सिंह जी धर्मरी बहन वाह भरियो मोती नरो थाल बुलाजी घर जोशी जी रे जाए अरे जवनी जुना जोशी टीपना देखो थारा वेद पुराण वाह अरे कई घड़िया में बालक जन्म ले लियो और कई निकले लो नाम बोले जोशी जी अरे अरे घने परसों मारे घरे भतीजो जलमियो थोड़ो टीपनो देखो दे हां तो जोशी जी महाराज के भाई अरे बड़ी शुभ घड़िया में जन्म लियो और नाम बबू तो धराय कुल में अमर नाम करेला थोड़ो की परिवार में हां थारे सोणखिया रो वंश है जिके ने अमर करेला हो वाह वाह क्या के नर नखता में जलमियो है अरे और कलयुग में हां सोणखिया रो नाम अमर करेला जय हो तवेटे में भुआ जी आज कई मोतीडोरो थाल भरपरा वाह आर संसारन गिर जावे जावे और पालनो गड़वे कई कवि कल्पना करे यही जान के हर के भर रे मोतीडोरो ये थाल भुआ जी करी रे खाती सत्संग महीने एक चीज खटे कोनी बाकी सब चीज खटे जय हो सत्संग जाग में एक करोड़ खटे कोनी बाकी सब चीज खटे वाह और महात्मा के एक करोड़ करोड़ जीता है नी करोड़ और भूख घणी राखोड़ी कोरे नी
पने करड़ा करड़ा रे भी कोनी अरे जावे क्योंकि करड़ा शरीर में दांत वेर दांतों बेसी करड़ो कोई कोनी जय हो अरे करड़ा करड़ा होले होले जावे धीरे धीरे हर दांत बढ़िया बचे मुंडो हाँ प्लेटफॉर्म साहब क्योंकि करड़ा नहीं दांतों रे अरे अरे हर दांत के में बाठो भांगदा जय हो परमात्मा के बाठो ही भांगदो पण हेगड़ा पहला बिजे थई जो जय हो जीव नरम है देखो दल में तने हाके जाओ तो हाके न्यून बड़ी संसार में नहीं निवे सो नीत निवे नदी रो गूंदलो रेवे नदी रे बीच न्यून बड़ी है छोटा बने सो हरि पावे जय हो वाह भेर जी अरे बलि बाबू दास जी महाराज की अरे सर अब के भर मोती नरो थाल भाजी घर खाती जी रे जाई जाई सा अरे गर्दो खातिया बेटा पिंगो पांदरो कमर झूले लो झूले माई वाह रेशन करी टेंगिया हिंडो मोंड डाडर मोर पपैया कोर बिसवारो जोड़ो कोर बांडरो जोड़ो कोर सरपनो जोड़ो कोर आछो पांदरो गढ़ भाई ला फुर्ती कर रावड़े पोस तो कर 5 वर्ष रो बबू तो होयो माता भिड़मले लाड लड़ाई लड़ाई और 10 वर्ष रो होयो बबू तो गेंद खेलने जा जाय शादी नारे साथ तो जिन टाइम बबूदा सिंह जी महाराज 10 साल री उम्र ही आसा तो वे टाइम में ठाकुर गोमन सिंह जी वाह सोनी घरी डाणी छोड़ अरे आपरे सासरे चरण वाले गांव बसिया दार वाह चरण वाले में आज बबूदास जी मोटा हुए जय हो और 18 वर्ष की उम्र में होया वाह तो उन टाइम के आज 18 वर्ष रो होयो बबू तो एवर श्रवण में जाय जाय धोरा में बेना चरावे एवर चरावे आज संगलिया साथी जिकवर हागे आज और विक्रम संवत 1929 महीने जय हो बीकानेर जिले में कोलाय तहसील में काल पड़ गयो आज और जिक्षाल काल पड़ियो अरे तो बूढ़ा बडेरा बातों करे रे भाईडा हमके बरस दूर निकली आज नौ रख जिगर लिए सफाई करा आज तो जिंदे में सिकलाई बड़ो बड़ी बातों करे बाबू का सिर ने सुता ने सपनो आवे लाडी माते हरियो घास और पियो ने पानी घणो लाडी में मीठो अरे दमड़ियो घास और पिंगो पानी नाडी में देखियो वाह अरे भगदास जी अपनी मां ने कहो मां अरे माने एड़ो हुक्म आयो के कल्याण नाडी माते पिंगो पानी गणई रे दमड़ियो घास गणई भाईयो भाई ते जे माने हुक्म देवो तो माने एवड़ दे पर नाडी जाऊं दो हां मां कह रे नहीं बेटा अरे अपरे आड़ी आड़ी बाल दी गणई बेटा नौकर गणई बेटा ए हे गण्या बिना दूनो हुना है माता जी अरे फालतू अटे मोचा भंगे अरे अरे तो बबूदास जी के नहीं मां हां धनियों की ने धन सुना है अरे अरे धन तो धनियों नहीं चराणो पड़ी पड़ी दूसरा वर्षे कोरे नहीं गावनो पड़ी जय हो तो देखो भक्ता विक्रम संवत 1929 में वाह बावदुर महीनो पण काल पड़ियोड़ो अरे हर बबूदास जी महाराज पोर जांदर को सुवेरी टेम वाह तो हमें तो अटे लाइट वाली चक्की घणी है आज ऑटो पिशन ने पण पहला घर घर में गटियां होया करती ऑटो पिशन ने हमें तो बाजार में रेडीमेड मिले 10 किलो सेलो हाइकल में आगे टंगायो रवन है कटे गटी की जरूरत है कटे चक्की की जरूरत है पण हां रेडीमेड पहला री टाइम में लुगाया सुबह 4 बजे उठ परी गटी मोड़ देती अरे अरे बाटे मीसा और जीते में सूरज भगवान उगता नहीं जीते 10 किलो ऑटो पीस लेती वाह धन्यवाद है लगदा दे बोने हो के दे मेहनत करता नहीं जाने बोने रोग को तो नहीं कदी बीमारी को आई नहीं हां क्योंकि एकदम बजर बटा वाह घी घणई खावने मेहनत करता सर हर मेहनत करता अरे अरे हमें बीपी होवे का हुगर हमें मेहनत करनी छोड़ देने बीपी हुगर सब वापर गया मैडम को गैस होती है बेड रेस्ट लो तो सुबेरी टाइम में बबूदास जी महाराज आपरा संगलिया साथी जका ने हिलो करे है जय हो और कहीं घर घर में गटिया मंडावे के दादा हस पौरी रे जांजर के सिना ये लो करियो
ढूंढे में कभी कल्पना करे। अरे अरे और के पूरे चंद्र के सीधा हिलू करियो। वाह सवेरे टाइम 4 बजे री आसा और संगड़िया साथी जका ने जा री लो करियो। अरे बबूता सिद्धि जा के हां पूरे चंद्र के सीधा हिलू करियो और घर घर में गटिया मंडाई मंडाई आटे रा भलो रे भाई बादरा पानी री डोरडी ले लो साथ लो भाई। हां करियो नडी हाल नो भाई एवड़ो तो ना एवड़ो रे काली नडी हाल नो है। हां एवड़ो छे ना भाई और चौकी तेरे आटो पीस लो। वाह आटे का थैला भर लो पानी की केतली ले लो। अरे मार्ग में सही जला भाई बत्ती जाने सिंगला ने तेरो रमन कटोरा गाल। अरे अरे डलियों पर डलियों सवे रवर झवड़ करी मनवा अमल गाड़ पर जाजम डाली। अरे अरे और जाजम माज बेड़ा पर भाई भतीजन के लो भाई अपने काली नाडी आलो है। हां एवड़ ले अबे टे में संगलिया साथी भाई भतीजा पूछे कंवर जी कौन बताए थाने पानी पादर और कौन जी बतायो हरियो घास घास बाबू तो सिंह के मामी जी बताए पानी पादर और काके जी बतायो हरियो घास। वाह रात सुते ने सपनो आयो कलिया नाडी दिठो धमण घास घास दोरा में मने सपनो आयो है आज घर काली लाडी माते हरियो घास गणोई पीवन ने पानी गणोई। अरे अरे ले भाई हां पीड़ो परबार दोए जगह पहला तैयारी करो हेगला ए हे रवाना होनो भाई तो सिगलाई बड़ो बड़ी एवड तैयारी करे है करे और मामी सा ने टापरियो और मामो सा ने टापरियो के बाबू तो काली नाडी जावे है। हां एवड ले मामी प्रिया सिंह ने देवे घणावण पर काली नाडी गोल मती घाल। भाइयो भाई काना में मुर्की कौन भमरियो दियो अरे बोले तो मुल्क ते बहन। अरे अरे सुरत लागे सिर सारी सवावणी डबडब भरिया दोनों नैन नैन मामी सा के बबूता थारो सुरत है हां बहुत प्यारी लागे ए हे और काली नाडी माते भाई बटे पेना ना गणा एरु चालो गणो है और जे कोई पेनो तने पी गयो तो मैं कठे जावा। अच्छा बाबू तो सिर के हां मामी सा हां होन हर कर्म ते न्यारी लिखिया बेटा ता लेख कदी ना जावे खाली रति ना जावे खाली। मां के बाबू का सिर ने के बाबू ता तू एवड देर मत जाना। जय हो भाई शेर सिंह और नरपत सिंह ठाकुर गोमन सिंह जी पूरा परिवार मना करे और सिगलाई मना करे बबूता सिंह ने अपन बबूता सिंह एवड प्यार करे एक लिए नडी जावे और बहन सिंगारा। हां बबूता सिंह जी छोटी बहन आड़ी फिर गई और भाई ने मना करे और भाई ने कहे भाई हां आज से काली नाडी मत जाओ ना आज बार बुधवार है तार दी जितते में कहीं कहे है। आज हरे बारा रे बुधवार आए बड़ दियो दियो तोरे मंदे मीरारा तने बरदे मरदे ता मन जाई भगत भगवान की जय हो।
बाबू दास में अरे मामी साहब बरजे मामू साहब बरजे पिता गोमन सिंह जी बरजे मां बरजे अरे अरे भाई शेर सिंह और नरपर सिंह बरजे हां और बैन सिंह रा आदि तीर के भाई बार बुधवार केवड मती तोरो मनो मारा वीर वाह और डावी कोचरी बोले तुम्हारी कन्या खावे छींक सुगन पलव छोटा होया मन ने मारा वीर ए भाई बुधवार गांव को नहीं करना भाई आज बुधवार है अरे और बुधवार ने काथनो दिशा सुल हुए ये और देर नहीं जानो जय हो बाबू तो सिद्ध के भाई मरनाड़ो मंगलवार के ने की बुधवार के ने मरनाड़ो कोई बार देखकर मरे की गली अरे अरे नहीं आज भाई बेड़ा मरी के बार देखकर को मरे तू मना मत करना माने आज आउन के अबे के उड़ी उड़ी डेरे में एवड टोरिया धरण धरण में कौन जवाल जवाल सरता सरता एवड पहुंचा पहुंचा कलिया नाडी पार शाम से में कलिया नाडी पहुंचे अरे अरे और कलिया नाडी धोरे उ गले चिते में हरियो हरियो घास देखियो ए नाडी पानी भरोड़ी देखी हार मीठे पानी उ नाडी भरोड़ी देखी भक्तां अथोनी कोलाय तहसील मंगरे में मीठे पानी रो हुकुम ना होता पहला बोलो जय हो मीठो पानी को मिलतो ने घी भली टंकी भरलो हास घी गणो ही पण मीठो पानी को मिलतो ने अरे अरे आगे गुड़ ने पानो तो घी पादी पण पानी मत पाई भाई रे वाह क्योंकि पानी री बड़ी कदर होती हां कमीज और एकदम खारो पानी जय हो हर जगह पानी में कभी साबुन को लागनी नहीं जय हो जय हवन लगाणो काम पर जातो नी बिना पैसा अंग्रेज जाग चढ़ परा चीतली चढ़ दिया दी अपने जाग नीचे को आता नहीं अरे अरे जने बुढ़िया अपने का कहीं करता के कोलाय तो मुल्तानी मेट ले जाओ वाह 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 अरबी मेट माथो धोता का छासो धोता जय हो भाई टेम ही हां छासो माथो धोता नहीं बाल कमला रहता है पण हमें शैंपू चाहिए जय हो क्योंकि टेम बदल गयो हां समय चेंज हो गई और हमें तो नीचे पानी की नेरो पे कोई चीज की कमी कोनी बनी अरे 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 अरबी टेम खुशी मेरी प्रेमी बबूता सिंह के भाई टेम ने जाण लो अरे और काली नाडी एवड पहुंचे जिते में मीठे पानी और नाडी भरोड़ी देखी जीशो रोगियों के कंवर जी न्याल कर दिया थे जी दाम जो हगला रो श्यार महीना कई छौ महीना हो रहा काडो ही पानी और हास अरे दौरा धरती में धमियो घास गणो ये पर साल वाह चार छौ महीना हो रहा निकली जियो बेटे में बबूता सिंह के उठो रे साथी ना करू दुवारी बबूतो रंधावे गुडनी खीर खीर जाओ दुवारी करो चौकी रे हास तो बैर जी एवडाला खाने पितलो मारे मगरे में पितलो ता हटो गया करे हो आर चौकी रे दूध भर ले रहा हर बाज रो आटो घाल हास और चौकी खीर बनाई वाह गुडली खीर जिके ने गुडली खीर गया करे हर ने काठी काठी खीर बनावे जिके ने गेटा टच करी गया करे अरे अरे हर बार बेटा टेस्ट करे खीर नहीं पटियो लिखो खावे नहीं बैर जी तो तुरंत ही डॉक्टर संपर्क करना पड़े हो अबे बा खीर जिमरा बबूता सिंह जी के भाई हां एवर तो नाड़ी चरे वाह अरे अपना धोरे माथे आलो चांदनी रात है अरे उजलो धोरो है जियो जियो आओ नी साथी ना कबड्डी रमना बेलो बेजी बता रे जी अंबर अमर रे रे कई वर्षों ये शरीर रो ठोठ लागे मिनक रो सांस निकल जावे पता नहीं है पल का रास करे कल का तवे ते में कई हास बबूता सिंह जी के आओ रे साथी रामई के कबड्डी रे मांडो अरे बाबू तेने कबड्डी रो Bye.
तो जिन टाइम में के अरे रम का खेलता सिद्ध पोडिया नैना में आई जब बेरने नींद हर वे वचन आस साधुरा वचन हचा होया करे झूठा कभी को वे नहीं अरे अरे क्या के बबुता सिद्धरी माता जी ने कहो नहीं के माई सरप मणि क्यों खवे खवे थारी औलाद ने जय हो और विक्रम संवत 1932 भादवा सुदी सातम बुधवारी रात ने बबूता सिंह जी महाराज ने अरे कल्याण नदी पर आस पेनो नाग पी गयो सूता ने पेने नाग रो नेम होया करे पिया पछे आस पूस रो थप्पड़ मार हमने नहाव चेत करे चेतन कर ले भाई और बबूता सिंह ने पी और पेने अरे बटीर मारियो बबूता सिंह जी के उठो रे सतीना करो चंद्रो देखो बेरी रो घाव अरे अरे घाव दिखे नहीं गोबो दिखे कर गयो कोई मौनी नहीं मार घाव गोबो कहीं दिखे नहीं अरे और जिते में चंद्रो जगह दिखे में हां पेनो नाग जमीन में बरता देखियो बबूता सिंह विचार कर ले भाई जी मरनो तो नेड़ो है जीणो आगो है मौत आगी मौत आ गई जगह में कोई फर्क नहीं है जियो तो उन टाइम बबूता सिंह जी महाराज की उम्र कितनी 18 साल वाह और 18 साल की उम्र में आज काली नाडी माते धोरे माते जय हो रात के आंखें में आंसू धरे हां और संगलिया साथी जगह ने कहे भाईडा अरे बैन सिंगारा माने गणई बरजार बरजार शेर सिंह वीर इतो कहता सीधे चुप होई बैठा नैना में डड़ायो वीर और के मामो सारी मिलने री मन में रह गयो रह गया मारे माता जी रा प्यार अरे मोतो जानियो अंशो घना दिन घूमियो पल में हो गयो प्यार बाबो सर ने मुद्रा दे दिया मोकला मारे भाइयों ने दिया जादूरा जमाड अरे अरे भाई सिंगारा सिर पर हाथ फेरना मारी माता जी कड़पेला जारो जार माता जी बोले जीवरा अभियान मत किया ना और बबूता सिंह बोड़ाउन देख के देखो भाइयों जय हो मारी तो मृत्यु आ गई वाह पण कलिया नाडी पर मने समाधि लगा दिया मारे शरीर ने थे अग्नि दाग मत दिया ना अरे कलिया नाडी पर मने दिया समाधि मत दिया मारी देवली ने दाग पिसरे खड़ा आवेला काली नाडी धोक लगावेला जत नहीं लागेला बेरी रो दाग इति बोलाउन दे बबूता सिंह जी महाराज विक्रम संवत 1932 आज भादवा सुदी सातम बुधवारी रात ने बबूता सिंह जी महाराज देवलोक होवे आप शरीर छोड़े और स्वर्ग में जावे हां और देवलोक होवे अरे और सोनी घर में एक बबूता सिंह जी ऐसा देव होया जिसके 12 दिनों में 12 प्रचार दिया जय हो हां बुधवारी रात ने खत्म हो यार बुधवारी रात नहीं जा रहा अपनी मां ने शैम रूप दर्शन दे दिया सपने में और मां ने जा हेलो करे केवे मां हां हर के सपने में सीधी राजा सुन मुख यू बाबा माता कदरना माता जी सुबा
भाई केवे सा आवे सपने में सिद्ध सुन मुखबार कर रहा माता जी सो बात कलिया नाडी पर माने ईश्वर देसियो मां पेणो पी गयो रात इति बासणी मारी नींद उड़ गई अरे और मां दौड़ पड़ा हां बबुदास रे पिता गोमन सिंह जी ठाकरा ने लो करे अरे ठकरणी जा ठाकरे जगणे सुने बबू तेरी वाणी वाणी मड़े भीत पर लाल साकी वा मारे राजा री सेनानी गोमन सिंह ने के ठाकरा मने ऐसो सपनो आयो के बबू ता सिंह ने काली नाडी पर पेणो पी गयो हां ठाकर गोमन जी के थे गेला हो गया कहीं एड़ा सपना आवे जके ने हां मने की उम्र बड़े बड़े सा बोले ठाकर मने बे बे उम्र भी तो घट गई घट गई और ठाकर गोमन जी के थे राजपुत्री बेटी हो अरे तो जीव काहे रखो ए हे ठाकरा मारो जी ए कलबे बिना कोरे नी तो बाबूदास जी मां के कोई न कोई आदमी भेजो जय हो कलिया नाडी और समाचार मंगाओ और काली नाडी का समाचार मंगाओ थे फटाफट वाह क्योंकि पहली टेलीफोन तो हाथ को नहीं जय हो और वे टाइम में ठाकुर गोमन जी 4 बजे टाइम सुबह री 5 बज गई वाह और सुबह 5 बजे बखावटे अरे चार नाले गांव में एक मकान जय हो मेरा सिंह के ले भाई तू जा हां कलिया नाडी आर ऊंट ले प्रो जय हो मेरा सिंह जावे ऊंट मारे डोर बांध जुड़े अरे आर कहीं देखो काली नाडी जाओ तुझे में रस्ते में ऊंट ने पकड़े मैंने कालो नाग भागियो अल्लाह डेरी में बता हां अरे खड़ो ऊंट बेवे ए हे ऊंट पगो खड़ावन लागियो पकड़े मैंने सोचन चढ़ गयो मेरा सिंह मन में विचार कियो ले भाई जी ऊंट तो मरी जके में कोई फर्क नहीं है हां थोड़ी दूर तई भयो ऊंट वाह और खड़ावन लागियो अरे तो पहलो बच्चो अपनी मां ने दियो हां और दूसरा बच्चो दमामी ने दे देखो हां दमामी रो ऊंट खत्म होवे जय हो और दमामी एक कोई के हां क्योंकि धीमे धीमे ऊंट बेवे खड़ो पगो अरे 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 दमामी के दादा खड़ी यो रे ऊंट चले रे नसर के बबूता काली यारे नदी गली
शंकर भगवान की जय हो। हमें क्या करो दमामी दादा ऊंट चढ़ी और कड़िया नाडी घनी दूर दूर खोड़ो उड़ो के दादा चाले लसर के आस खोड़ो खोड़ो बेतो ऊंट रे पगरे मिने सोजो आ गयो अल्लाह हर बेतो ऊंट तड़ा सी खार पड़ी और पड़ता ही खत्म हो गयो। वाह अबे मेरा सी ऊंट रे दौड़ दौड़ फिरे हो गुणमत गुणमत करे हर एक लोई विचार करे के अपर तो ये ऊंट हो हां चमार से संगी कौन लावर कौन खेत बावा जय हो फोड़ो पड़ गयो नी अपर को उजाड़ दूड़ो अरे एक लोई गुणमत करे ये रोई में उबो कंकड़ में और सुन में सोई बपू तो सामो मिले पूछे दमई महीने बाद क्यों बात का करे रे भाई अटे एक लोई दमामी ने जार दर्शन दिया बोले भाई पोटे क्यों हताई करे रे तारजू करूं साउंड आड़ा हूं सिंह करूं आड़ा हूं तो केवे बाप जी हां हताई क्यों करा अरे ऊंट मर गयो जी केरे होच करा हां फिकर करा फिकर तो बाबूदा सिर के घरा दमामी तू झूठो बोले अरे अरे कांटो लागो कोई केर लो इन ऊंट ने सर पे उठायो नहीं कोई केर लो कांटो खुडियो ए थारे माते सिधारी मैं रे दमामी के बाप जी हां डेढ़ कुर्सरो लंबो कोई कांटो वे कहीं ए हो सरप देखो सरप सरप हर खाली अंदर नाग देखियो मैं बाबूदा सिंह के गेला अरे तू डर मत वाह वाह बाबूदा सिंह जी महाराज ऊंट रे पग माते हाथ फेरियो आज एक इचकारी करी बच ऊंट खड़ो हो गयो जय हो जय हो तो बाबूदा सिंह के तू के ऊंट मर गयो जीव तो नहीं वाह अबे कहो तू मारे माँ बाप ने कह दे के कलिया नाडी माते बबूते ने समाधि लगानी है दाग मत दिया ना अग्नि रो दाग मत दिया ना और मैं पितृ भूमियों को नहीं संसार में ने सिद्ध पुरुष हूँ हे पर उपकार करूंगा और दुनिया में ने सिर्फ खेड़ा आवेला काली नाडी रोता आवेला रास्ता जावेला जावेला नाडी ढोक लगावेला मोरा कर सरेला जय हो जार मारे पिताजी ने कह दी तू हाँ बेटे मैं बबूता सिद्ध बटो नम गया ये देवलोक और दमामी जा ठाकुर गोमन सिंह ने कहो गोमन सिंह जी हां बाबू तो सिर कलयुग में सिद्ध पुरुष प्रकट हो गयो हां माता जी ने अपना आयो तू हट और बाबू दर्शन ने काली नाडी पर पेणो नाग की गयो अरे देवलोक हो गया और मने बाबू दर्शन कहयो के कलिया नाडी मने दिया समाधि मत दिया मारी देवली ने दाग अग्नि दाग मत दिया ना हमार दिया तो वे टाइम में ठाकुर गोमन सिंह जी आपरे परिवार ने लिए पर चरण वाले गांव जावे कलिया नाडी जावे और चरण वाले दार भाई पे ने भेड़ो करो और ले जावे काली नाडी जय हो और परिवार से लो जार बटे देखे वाह तो आगे बबूता सिद्रा इवाड़िया दोस्त आज के उठिया साथीड़ा साथीड़ा और साथीड़ा ही कहो के मोहने बबूते कहो के काली नाली मने समाधि लगा दिया वाह तो सोलंकी मिल प्रार के में जात्रा सोलंकी और अग्निवंशिया और अग्निवंशिया ने भई अग्नि दाग हुए अग्नि में समावा मारे समाधि लागे कौन क्या के में जात्रा सोलंकिया हां अग्निवंश और मे अग्निवंशिया ने तो मे अग्नि में समावे मरो शरीर है जको अरे अरे तो उनते बबूता सिंह ने नाली माते समाधि जगह अग्नि दाग दियो हां और ये आकाशवाणी आवाज हुई रे मूर्खों अरे अगर के मने समाधि लगाता तो थारे सुन के मने पीडी पीडी में सिद्ध होता हां सा सिद्धि पर जो अवतार होतो और नहीं तो मारी अभी ते का शरीर ही की राख है भस्मी है वाह इन्हें समाधि लगा दो तो थारे घर में 100 साल हो हां चौथी पीढ़ी में मारे जैसो एक चमत्कारी देव और प्रकट हुई जय हो बेटे बबूता सिंह ने काली नाडी पर हां भस्मी जी ने समाधि लगाई जय हो और बबूता सिंह जी महाराज वचन दिया वाह के माधव सिंह जी सोलंकी के परिवार में 100 साल हो हां चौथी पीढ़ी में हे हे सिद्ध पुत्र और अवतार हो ए सिद्ध पुत्र अवतार हो फिर जय हो तो देख लो भक्ता हां और बबूता सिंह जी चौथी पीढ़ी में 100 साल हो नखत बना रहा अवतार हो ए हे बबूता सिंह जी चौथी पीढ़ी में पड़पोता है बाबूदा सिंह भाई शेर सिंह अरे शेर सिंह या अक्षय सिंह अक्षय सिंह का कौन सिंह का नकद सिंह जय हो चौथी पीढ़ी में देव प्रकट होया आज और कवि खेमदास जी महाराज हां कंबड़ अरे बाबे ना रिखिया वाह बाबूदा सिंह रा रिखिया जय हो और सिधारी कीर्ति करी और जन्म पुत्री कथा गई और कहीं के बदे को ये जान गए हर के छछरे सा तमरी रात चांदी रे
दादा नमड़ी रे नमड़ी रा परचा समदा रे जय हो। निरंजन बाबे की जय।